हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक होगा, पिछले लेक्चर में अंदर हमने एक्टोपिलाई मसल और सेबेशियस ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, जो डर्मिस लेयर के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा नेल के बारे में, ठीक है। नेल्स, आपके ह्यूमन नेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये देख लो, ये आपकी नेल की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये आपकी सुपरफिशियल, ये आपकी थोड़ी डीप से दिखा रखी है आपको, ठीक है। इसके जितने भी ये पार्ट दिखा रखे हैं, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन बताती हूँ आपको नेल्स की क्या होते हैं। आपकी जो ह्यूमन नेल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट होते हैं किसके, यानी इक्वल होते हैं, यानी आपके नेल्स और एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नेल्स के ही कंपैरिजन में या उनका सेम फंक्शन होता है। तो आपने कुछ ऑर्गेनिज्म के या एनिमल्स के पंजे देखे होंगे, क्लोज जिनको बोलते हैं, हॉर्न्स, सिंग बोलते हैं, और हूव्स ऑफ एनिमल, खुर, ठीक है। तो ह्यूमन नेल इक्विवेलेंट हैं कुछ एनिमल्स की इन स्ट्रक्चर के, ठीक है। और आपके जो नेल्स हैं वो हार्ड होते हैं, हॉर्नी होते हैं, और केराटिन प्लेट्स के बने होते हैं, ठीक है। काम क्या है इनका, प्रोटेक्शन का, और किसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी टिप ऑफ फिंगर को, ठीक है। इस टिप को, यही नेल्स ही प्रिवेंट कर रहे हैं ना आपका, और आपके टोज ऑफ फुट को, इन चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके नेल्स। और किसके इक्विवेलेंट होते हैं ये कुछ एनिमल्स में, पंजे या आपके सिंग या फिर हॉर्न्स, इन सब का काम भी क्या है आपका, प्रोटेक्शन का। और आपके अंदर ह्यूमन नेल्स ऐसी चीज़ होती है जो प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी फिंगर्स और टोज को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ नेल्स के बारे में। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ आपको किस किस पार्ट के बारे में पढ़ना है नेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट आप पढ़ोगे, दैट इज नेल रूट, दिख रहा है आपको, नेल रूट, ये होती है आपकी नेल रूट, ठीक है। और नेल रूट जिससे कवर्ड होती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हो आप क्यूटिकल, ये आपका क्या होता है, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है उसको आप बोलते हो ल्यूनुला, ठीक है। ये जो सेमी सर्कुलर टाइप आपका कुछ बना हुआ है, क्यूटिकल जब नेल रूट को कवर करता है तो जो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है आपका ल्यूनुला। और आपका जो ये है, ये नेल है, आपको पता है, नेल बेड आपको दिखा रखा है, नेल बेड, ये नेल बेड जिसके ऊपर आपका नेल आराम से प्लेस है। और नेल प्लेट क्या है आपका, जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो आपको ये दिख रहा है ना नेल, दैट इज एक्सपोज्ड पार्ट या फिर नेल प्लेट। फ्री एजेस, आपके बड़े हुए नाखून को आप क्या बोलते हो, फ्री एजेस, ठीक है। ये आपको क्या दिखा रखी है, आपकी बोन दिखा रखी है, डिस्टल फेलेंजेस, ये फेलेंजेस आपकी जो अंदर बोन होती है ना वो दिखा रखी है, एंड दैट इज द फिब्रो फैटी पैड, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है आपका, फाइब्रस फैट। तो नेल्स की हमने पार्ट पढ़ ली है उसके अंदर, अब हम इनको थियोरटिकल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था नेल रूट के बारे में, ये आपकी कहाँ, नेल की जो रूट है वो आपकी स्किन के अंदर होती है, ठीक है, बिल्कुल अंदर, एम्बेडेड इन द स्किन। क्यूटिकल क्या होता है, जो आपकी नेल रूट को कवर करके रखे। ल्यूनुला क्या होता है आपका, जो क्यूटिकल्स, क्यूटिकल जब रूट को कवर कर रहा होता है तो वो जो शेप बनाता है हेमिस्फेरिकल पेल एरिया, उसी को आप क्या बोलते हो, ल्यूनुला। और आपका नेल प्लेट मैंने बताया था, ये जो एक्सपोज्ड पार्ट आपको दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, नेल प्लेट। नेल बेड जिसके ऊपर आपका नेल प्लेस होता है, ठीक है। फ्री एजेस, अगर किसी के नाखून बड़े हुए हैं, दैट इज़ फ्री एजेस। और आपके जो फिंगर के नेल्स होते हैं, फिंगर नेल्स होते हैं, वो आपके ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं एज़ कंपेरिजन टू आपके टो नेल के। और ग्रोथ नेल्स की फास्टर कब हो जाती है, जब टेम्परेचर हाई होता है आपका, आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हो वहाँ का टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो आपकी नेल्स की ग्रोथ मैक्सिमम होती है उस टाइम पे। ये था आपका नेल का टॉपिक इस लेक्चर, मतलब इस सब अपने सेंसरी ऑर्गन स्किन में जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शन ऑफ अवर स्किन, ठीक है। अब हमने स्किन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट्स, उसके लेयर्स, सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, तो अभी आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि स्किन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन मैं आपको बताती हूँ प्रोटेक्शन का। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है नेल के बारे में, तो नेल्स भी ह्यूमन में क्यों है, प्रोटेक्शन के लिए ना, आपकी स्किन का पार्ट है तो आपकी फिंगर टिप है, इसको बचा रहे हैं ये, ठीक है। और कैसे प्रोटेक्ट कर रही है आपकी स्किन आपको, आपकी स्किन के ऊपर हेयर हैं, ये भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठंड लगती है तभी आपको गर्म कर देते हैं इरेक्टोपिलाई मसल, ठीक है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए उससे प्रिवेंट करके आपको ये रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ों से आपकी स्किन क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आपकी स्किन आपका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करती है, ठीक है। अगर आपको मतलब
गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग के थ्रू बॉडी टेम्परेचर करेगी, ठीक है। ठंड लग रही है तो इरेक्टर पिलाई की मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी, उसके थ्रू आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का फॉर्मेशन आपकी स्किन करवाती है, ठीक है। कैसे करवाती है? आपकी स्किन के जस्ट नीचे, ठीक है। एक लिपिड का सब्सटेंस होता है आपका, लिपिड सब्सटेंस होता है आपकी स्किन के नीचे, आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है 7-DHC, ठीक है। 7-DHC नाम का एक सब्सटेंस आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये सब्सटेंस सनलाइट के एक्सपोजर में आता है, ठीक है, जैसे ही ये सब्सटेंस सनलाइट के एक्सपोजर में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका विटामिन डी के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि आपकी जो स्किन है दैट इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। कैसे? क्योंकि उसके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो सनलाइट के एक्सपोजर में आते ही विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए आपका विटामिन डी किस काम आता है। आपका विटामिन डी आपके कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प आता है, ठीक है, इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प आता है, करता है आपका ये विटामिन डी, ठीक है। कैल्शियम आपको पता ही, आपकी बॉडी में एक क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है, ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, आपकी बोन्स को भी बनाए रखता है, बहुत से काम हैं इसके। तो विटामिन डी नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा विदाउट विटामिन डी के। नेक्स्ट जो फंक्शन आपकी स्किन का, दैट इज़ द क्यूटेनियस सेंसेशन। आपकी स्किन की हेल्प से आपको बहुत सी चीज़ें फील होती हैं, जैसे टच का फील होता है आपको, स्किन की हेल्प से ही होता है ना। मैंने आपको एक एक नर्व के नाम भी बताए हैं, कौन सी नर्व आपको टच का फील करवा रही है, कौन सी नर्व आपको प्रेशर का फील करवा रही है, पेन, टेम्परेचर, कोल्ड, हॉट, ये सारी नर्व्स के भी मैंने आपको नाम लिखवा रखे हैं इनके अंदर। तो ये भी इसका फंक्शन है, जो जो हमने पढ़ा है ना वही सारे फंक्शन है, जो जो आपने एक एक ऑर्गन या सिस्टम इसके अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों से मिलके आपके ये सारे वो बने हैं आपके फंक्शंस। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन का, आपकी स्किन कुछ चीज़ों को क्या कर रही है, आपकी एब्जॉर्ब करवा रही है बॉडी के अंदर कुछ ड्रग्स को या फिर कुछ केमिकल्स को। केमिकल्स का नाम ले लो, टॉक्सिक केमिकल है एक मरकरी, वो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर कुछ ड्रग्स, जैसे आप यही देख लो मूव होती है आपकी, ठीक है, आप कब लगाते हो स्ट्रेन या स्प्रेन में आपको मोच आ गई है, कहीं दर्द हो रहा है बॉडी में, मूव लगाते हो स्किन के थ्रू ही लगाते हो, ठीक है, स्किन के थ्रू लगाते हो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। यानी कुछ ड्रग्स या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ठीक है, आप डर्मिस के नीचे लगा सकते हो, वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन, आपका जो ये स्किन है वो एक्सक्रीट क्या करती है बताओ, बॉडी से बाहर क्या भेजती है। जब स्वेटिंग के दौरान जब आपको स्वेट हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तब आपकी बॉडी से क्या, आपकी स्किन से सोडियम क्लोराइड रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को ये क्या कर रही है आपका, एक्सक्रीट कर देती है स्वेटिंग के दौरान आपकी बॉडी से। और जब आपकी किडनी ख़राब हो जाए किसी पेशेंट की, अगर किडनी ख़राब है तो उस कंडीशन में आपकी स्किन के थ्रू आपका यूरिया भी एक्सक्रीट आउट हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये कहाँ से होता है, आपके यूरिन में होता है, लेकिन जब किडनी ख़राब होगी तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, यूरिया स्किन के थ्रू निकलेगा। यूरिया आपका होता क्या है, एंड प्रोडक्ट, एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपके प्रोटीन का, ये मैंने आपको बताया भी है पहले भी, ठीक है। तो ये थे आपके स्किन के फंक्शंस। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में वो होगा इसकी डिजीज कंडीशंस के बारे में, ठीक है, जो आपका सेकंड ईयर के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको कुछ भी मतलब जो समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि अगर आपको कोई टॉपिक इसी स्किन के चैप्टर में अगर रिवीजन चाहिए इसकी कोई दोबारा से करना है तो वो मुझे बताइएगा। थैंक यू गाइज़।